जितने भी बेनिफिट्स हैं टैलेंट दिखने के बाद सुनिया रोज परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैम ने पहले ही कहा। पहले भी सुनो तो, लेकिन आजकल मतलब आज प्रैक्टिकली क्यों प्रैक्टिकली इसमें क्या है कि कईयों के बिजनेस जो है वो ठप हो गए, कईयों की जॉब चली गई, उससे क्या है कि लोगों का एक ना मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया। विलोम विलोम मतलब ब्रीथिंग में बहुत यूजफुल है ब्रीथिंग के लिए। योगा से अपने जिंदगी में डालनो है, योगा से तो दोस्तों स्वागत है तुशु के आठ फेरी बटलारे समाचारन में हूँ तुशु अपना मित्र शुभम शर्मा ते तुश एरी रावल दा लोकल रिपोर्ट। तो दोस्तों हूँ ना मौजूद है मास जी गौरमेंट डिग्री कॉलेज बटला है, जिनसे तुम पता है 21 तारीख योगा डे तू है जी मनोरथ हुए आज जी लई हूँ दिहाड़ी है एना योगो जो है सैलीब्रेट करी रहा रन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एना डिपार्टमेंट रे टीचर हैं तेना बच्चन योगो करी रहा रन जी तो अस तुशन से गलबात करा ले कि योग कुन है, योग रे कुन फायदे जना आसन बही रहा तन के बारे में टीचर से गल कर ले बच्चन से गल कर ले तुस बन रहे रात आसन से साथ ही सुरजीत सिंह योग कई से कर लत करने तुस डेली करत कुन आज ही देखो आज के बाद करेंगे आज पहली आटे की हो शायद की कुन मसल हाँ पहली बारी है पहली बारी तुशु नूं कुलमिंदर सिंह ते कोठरे तुस बिलेशर बिलेशर है तो और योगो पहले भी करत के आज सुनो योगे रे बारे में असर कुन फायदा ना ना पहले भी सुनो तो लेकिन आजकल मतलब आज प्रैक्टिकली क्यों प्रैक्टिकली हां ओनी डेली करना है हां हुन डेली रूटीन बनाने। अच्छा आपका ना सुधीर सिंह मनास कहाँ से हो आप? मैं इधर सेरी भद्रवाह। सेरी से हाँ जी। योगा पहले भी किया आपने आज ही किया या? हाँ पहले भी करते थे, से जो आसन होते हैं वो किए हैं काफी पहले भी। कोई एक ऐसा आसन जिसके फायदे आपको लगता जैसे जिसे किसकी हाइट कम है तो एक आसन होता है ताड़ासन। ताड़ासन हाँ उसे कर सकते हैं, उससे हाइट बढ़ती है। उसके बाद अगर आपको माइंड को रिलैक्स करना है तो अनुलोम विलोम कपाल भाती वगैरह है। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम अनिल सिंह है। तो कोठरे रहने वाले थे? मैं रामबन पोगल से हूँ। अच्छा, तो योग के बारे में क्या जानते हो आप? योगा के बारे में मैं जानता हूँ, योगा से बचपन से कर रहा हूँ तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे हम अपनी फिजिकली फिट रख सकते हैं, मेंटली सब फिट रह सकता है। जी थैंक यू सर। तो सुनो अंजलि भगत। अच्छा तो तुम दे सकते हो तुम आज जी योगा की आसमा तुम कौन सीखो? आसी बड़ू की सीखो आज डेली अस योगो नहीं थी करते लेकिन आज इस परफॉर्मेंस के पति असें अपनी से योगो परफॉर्मेंस है तो घर भी यूज करनी है। अच्छा आज अगर पहले भी करते थे कि नहीं आज नहीं योग के बारे में ऐसे सुन रहे थे लेकिन अस करते नहीं थी हालांकि हेर रू भी थू लेकिन टाइम ना थू मैं तो पर ऐसे जितने भी बेनिफिट्स हैं तन दिखने के बाद सुनिए रोज़ परफॉर्म करने की कोशिश कर। जी जी आपका नाम? मेरा नाम फरियाना है। अच्छा तो आप भी बताएं योग के बारे में कुछ जो आप जानते हैं कितना ज़रूरी है। योगा तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है जैसे कि मैम ने पहले ही कहा, लेकिन मैं पहले भी करती थी योगा लेकिन मैं करती हूँ ऐसे भी लेकिन अब भी करूँगी। कोई आसन बता दो तीन जो मुझे आसन के नाम तो नहीं पता है लेकिन ऐसे मैं करती हूँ। अच्छा, ऐसे करती जी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम शिवानी। तो योगा के बारे में किस दोनों चाले दोस्त? योगा बहुत यूजफुल है, हम भी कर रहे हैं योगा करते मतलब अलोम विलोम और कपालभाती बस। अच्छा सिर्फ फायदे सुनन फायदे जो ही सकते अलोम विलोम मतलब ब्रीथिंग में बहुत यूजफुल है ब्रीथिंग के लिए। मेरा नाम महिमा कोतवाल है। और आपका? सर लक्षा। आपका? मोहिनी। तो दोस्तों आज गल करते हम जाने स्टाफ मैंबर ने स्कूल कॉलेज रहे तो उनसे गल करते हम योग कौन है ये एक्टिविटी है जाके इसने चलनी है। सर तू सुनो। नमस्कार सर, मैं संजय कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवाह। जी सर जा इडी आज योग री एक्टिविटी भई रहा है असरे बारे में तू सुकून सुनो जा योग है ता कौन है थोड़ा जरूर दे सकता था सर। अरे आज सेलिब्रेट कर रहा है योगा वीक, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सेलिब्रेट कर रहे योगा वीक और आज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जॉइंटली हम स्कूल सेलिब्रेट कर रहे योगा वीक। ठीक है आज दिहाड़ी हम स्कूल बच्चों बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं कि कैंसर तुम योगा से योगा कर सकते हो घरें, कैंसर तुम अपने आपने फिट कर सकते हो कि योगा बहुत जरूरी है ये आप फिटनेस ले अगर शरीर असं फिट रखना हमारे पास योगा बहुत जरूरी है जैसे उठता असं कैंसर अपने योगा वो शुरुआत करनी कैंसर असं ठीक है जैसे मेंटली फिजिकली आज फिट रहा हूँ। ठीक है ऐसा ऐसा अपनी पढ़ाई अपनी डेली रूटीन वर्क बड़े एफिशिएंटली कर सकता हूँ। ठीक है सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर तुम एजुकेशन जोन चाहता थे इसे दर्शक अपनी तरफ कि असं यह योगा जो एक अक ध्याड़ी नहीं मनाना या वीक नहीं मनाना असं थ्रू आउट द ईयर असं मनाना कि योगा से अपने जिंदगी में डालना है,
योगा से सुकून मैं अपने बैलेंस रह सकता हूँ, बस आसन कोई परेशानी मन थोड़ा सा दूर रह सकता हूँ बस, क्योंकि बड़ी टेंशन बड़ी है डे टू डे लाइफ में, बड़ी टेंशन है, योगा से सुकून अपने आप बड़े रिलैक्स फील कर सकता हूँ। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, तो जैसे तुम हेरी सकते थे सर जी जो कि योग करने के फायदे हैं, तो अस और भी स्टाफ मैंबर से साथ ही गल करते हैं, तो मैम थोड़ी जरूर योग के बारे में जी सकते थे। हाँ जी, योगा जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि हर एक जो है वो अपने लाइफ में अपने काम में इतना बिजी हो गया है कि अपने आप को अपनी सेहत को टाइम नहीं दे पाते। और जैसे कि हमने देखा कि अभी हम पिछले 2-3 सालों से COVID-19 पेंडेमिक से गुजरे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को जो है वो कोविड भी हो गया था, और कईयों के जो है इस दौरान क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे लॉकडाउन कहेंगे हम, तो उसमें क्या है कि कईयों के बिजनेस जो है वो ठप हो गए, कईयों की जॉब चली गई, उससे क्या है कि लोगों का एक ना मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया। मेंटल स्ट्रेस इसलिए बढ़ा क्योंकि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, और जिनको अगर कोविड हुआ है तो वो कोविड के कुछ पोस्ट इफेक्ट देखेंगे जिसका कि हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ा। तो उसमें भी आपने अगर देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग थे जो योगा जानते थे, योगा के बारे में पता था, उन्होंने अपने क्वारंटाइन पीरियड में योग को परफॉर्म किया, योगा किया, तो उससे भी उनका एक तो स्ट्रेस कम हो गया, और उस दूसरा उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी जो इम्यूनिटी थी, लड़ने की पावर थी कोरोना से, कोविड से, वो भी काफ़ी अच्छी थी, और जो वो जल्दी रिकवर हो गए। तो कोविड के अलावा भी योगा का जो है वो उसका बेनिफिट ये है कि वो हमारे हेल्थ को, हमारी सेहत को बहुत स्ट्रांग करता है, बीमारियों से लड़ने की जो हमारी शक्ति है उसे बढ़ाता है। और उसके साथ साथ अगर हम अपने खाने पीने का भी ध्यान देंगे तो हम जो है एक हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। और आजकल वैसे भी देखा गया है कि जो इंसान की एज है, पहले के टाइम के हम लोग देखे, हमारे ही बड़े बुजुर्ग जो हैं वो 80s 90s के ही तो 100 भी क्रॉस कर, लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि 40 के बाद तो लाइफ जो है वो बड़ी रिस्की हो गई है, कभी किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कि कभी ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपना स्टाइल जो जीने का है ना वो बड़ा गलत कर रखा है। हम आराम से सिटिंग काम जो है ज़्यादा हो गया है, हम फिजिकल वर्क नहीं करते, हमारा पसीना नहीं निकल रहा है, तो उससे क्या है कि हमारे अंदर बीमारियां बन रही हैं। तो इसलिए योगा और फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो डेली करना जो है वो बहुत जरूरी हो गया। उससे क्या है कि हमें एक तो ताकत मिलती है, हम स्ट्रांग होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और कुछ ना कुछ हमारा फिजिकल वर्क हो जाता है जिससे कि हमें बीमारियां होने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। तो आज जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ने मिलकर एक एक्टिविटी रखी जिसमें हमने बच्चों को जो है कुछ पोजेस दिखाए आसना के, और उनसे भी करवाने की कोशिश की ताकि वो बच्चे इस आसना को सीखें, उनके बेनिफिट्स जानें, और देखने और सीखने के साथ साथ उन्हें अपनी लाइफ में ये डेली जो है वो करने भी पड़ेंगे, तभी उनको जो है इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो मैं सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ को ऐसा बनाएं कि हर रोज़ अपने लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स निकाल के योगा परफॉर्म ज़रूर करें। उससे क्या होगा ना, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारा लीवर, किडनी, ब्रेन, ये सब अच्छे से फंक्शन करेंगे और हमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्योंकि आजकल देखा जाए तो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, कभी किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम, कभी थायराइड हो रहा है, कभी फैटी लीवर हो रहा है, तो ये सिर्फ हमारे खाने पीना भी गलत हो गया है और हमारा जीना भी गलत हो गया है। तो लेकिन हम अगर अपने खाने पीने को भी ठीक करेंगे और योगा को भी अपनी लाइफ में डेली करेंगे तो ज़रूर हम इन सब बीमारियों से निजात पाएंगे। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार जो है जैसे मैंने अभी भी बताया कि ये जो है 12 आसनास का कॉम्बिनेशन है, तो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार जरूर करें, और प्राणायाम जिसमें कि हमारा वो अलोम विलोम आता है, कपाल भारती आता है, उससे क्या है हमारे लंग्स जो हैं, क्योंकि आपने ये देखा होगा, न्यूज़ भी आई होगी कि कोरोना के टाइम में इस पे बड़ा जोर दिया गया कि जो अलोम विलोम है या कपाल भारती है, जितने भी हमारे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं वो ज़रूर करें, उनसे हमारी लंग्स जो हैं वो अच्छे रहते हैं और हमारा जो कंट्रोल है हमारी सांस पे वो जो है बना रहता है। और साथ में मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, वो भी मेडिटेशन से भी हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, हमारी जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। और मैंने अभी भी बताया कि आजकल डिप्रेशन और स्ट्रेस के कारण लोग जो हैं अच्छे से नींद नहीं ले पाते, क्योंकि हम जानते हैं हमारे लिए मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7-8 आवर्स जो हैं वो सोना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम अपनी नींद नहीं ले पाएंगे तो हमारी सेहत पर अफेक्ट करता है। तो इसलिए अगर
अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पा रहा है तो सोने से 5 मिनट पहले ज़रूर मेडिटेशन करें, उससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आते हुए जा योग इड़ी कराए अनकरे योग आसन तन करे कुन फायदन उस बन रहे दा लोकल रिपोर्टर से साथ ही अस फ्री मिल कंची होरी समाचार है। धन्यवाद, तुशु दा लोकल रिपोर्टर ने जो